ना सिस्टम में फॉर्मलाइजेशन ज्यादा होता जा रहा है, सिस्टम और समाज अब सब ये कह रहा है कि अगर आप काम करते हो तो जिम्मेदारी से करो, जो क्वालिफिकेशंस है वो ले लो, सर्टिफिकेशंस ले लो, और फिर ऐसी चीजें करो जो आगे रिजेक्ट नहीं हो, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है एक दूसरे से चीजें लिंक होती जा रही है। आप में सभी किसी न किसी बैंक के बीसी भी होंगे, तो बीसी के लिए भी कुछ चीजें हैं जो हमारे सिस्टम को जरूरत है। एक तो है कि सारे बैंक ने अब ये मैंडेटरी, बैंक ने नहीं आरबीआई ने ही मैंडेटरी कर दिया है कि अगर कोई बीसी बने रहना चाहता है तो उसको आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट लेना होगा। ये बेसिक्स है और उसमें बहुत सारे अभी आप लोग हैं जिन्होंने नहीं लिया है, अभी उन्होंने दिया है कि एनरोलमेंट के 9 महीने के अंदर नहीं लेने पे वो बंद कर देंगे। हम अभी बंद तो नहीं कर रहे हैं, अभी हम उनसे बात कर रहे हैं, बट आप हमें भी इतना पुश मत करो कि बंद हो जाए। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट आप खुद भी ले सकते हो, ऑनलाइन है, हमारे ही सिस्टम से होता है। जिन्होंने नहीं लिया है वो जरूर ले लो, ये मैंडेटरी है, नहीं तो उसके साथ ही की चीजें होती है। अब तक चल गया है हम लोग बात करके, बट आगे बहुत दिन नहीं चलने वाला है। दूसरा ये है, उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं कि हर साल पुलिस का एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगता है, आप उसको प्रोक्योर कर लो। अगर प्रोक्योर करने में दिक्कत हो तो हम सिस्टम वर्कआउट कर रहे हैं कि आप अपना डिटेल्स जहां भी देते हो कर करके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को बता दो, हम उसको बल्क में लेने की कोशिश करेंगे, बट हर साल वो जमा करना पड़ता है। और सिस्टम में अपलोड का भी हम बना दे रहे हैं, अब ये अपडेटेड एक सिस्टम आ रहा है, वीएलई का भी रजिस्ट्रेशन बंद है कुछ दिनों से, मे बी इन ए वीक टाइम हम नया लाएंगे जिसमें कि ये सारी चीजें अपलोड करने की आपको फैसिलिटी भी हम देंगे। तो ये दो चार चीजें हैं, और एक बीसी का एग्रीमेंट होता है जो हम ई साइन के साथ लाएंगे। जब लाएंगे तो आप पढ़ कर करके उसको ई साइन के साथ ही साइन कर लेना, वो भी एसबीआई ने के जो इसमें एसबीआई के बीसी कौन कौन है, गुड, थोड़े से इन लोगों ने तो साइन कर लिया है, एसबीआई वाले एग्रीमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, बाकी बैंक भी धीरे धीरे ये करते जा रहे हैं। हाँ, दूसरा यह है कि जैसा कि मैंने बताया था शुरू में कि हम आप ना हमारे सीएससी के सिस्टम में अपेक्स पे हो, यूसीएल का मतलब है कि वो हमारा सबसे ट्रस्टेड मतलब ट्रांजेक्टिंग वीएलई है जो उस एरिया में अच्छा काम करता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप यूसीएल के साथ साथ बैंक के पोर्टल पे भी ट्रांजेक्शन करते रहो, और बाकी जो हमारा डीजीपे और डिजिटल सेवा है सारी सर्विसेज देने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यूसीएल कर रहे हो और बाकियों को छोड़ रहे हो, वो ट्रांजेक्शन भी मैंडेटरी है, क्योंकि सिस्टम गांव के लोग लोकेलिटी के लोग आपके पास आते हैं, आपका उनसे संपर्क है तो सब कुछ करेंगे। तो ये हम लोग मॉनिटर करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक टूल भी बनाया है एनालिटिक्स करने का, अब हमें पता चलता है कि किस वीएलई ने किस दिन किस चीज में कितना काम किया। आपके से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बताते भी होंगे कि आपने इस पे तो इस महीने काम नहीं किया, तो पहले नहीं था, पिछले 1-1.5 साल से ये सिस्टम आ गया है, तो आपकी सारी का जो है काम वो पता चलते रहता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। खास करके कुछ लोगों का जो आईसीआईसीआई के बीसी थे, आईसीआईसीआई ने अपना बीसी का नेटवर्क बंद कर दिया है, तो आप लोगों में जो आईसीआईसीआई के बीसी थे और यूसीएल लिए थे उसके स्ट्रेंथ पे उनको किसी न किसी बैंक के उस पे माइग्रेट करना होगा, और इसके लिए हमने एक्सिस बैंक से बात किया है, जिसका जिसका एक्सिस बैंक आसपास है वो कर लो, दूसरे बैंक का बट प्लीज इसको कर लो, क्योंकि अगर बीसी का स्टेटस जाता है तो यूसीएल के स्टेटस में दिक्कत हो सकती है। कुछ दिन का रिलैक्सेशन है, हमारी टीम यहां है, जितने लोग हैं एक्सिस बैंक में बनना चाहते हैं वो ऑप्शन दे दे, हम उसको प्रायोरिटी पे करवा देंगे। ये तो कुछ ऐसी चीजें हुई, और एक हरीश है जो आजकल टूरिज्म और आईआरसीटीसी देखते हैं, आईआरसीटीसी का जो हमारे सर्विस तक पिछले 2-3 महीने में काफी ट्रबल से गुजरा है, काफी पैसे रुके थे और कई के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे, अब हरीश ने काफी मेहनत कर करके सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया है, पास्ट के कुछ चीजें जो अभी भी बची हुई है वो भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में करीब 90,000 लोग ऐसे थे, 90,000 था ना, 98, अच्छा, जिन्होंने अप्लाई तो कर दिया था, पैसे भी कट गए थे 1,000 रुपए या 100 रुपए जो भी थे, बट आईडी नहीं मिली थी आईआरसीटीसी, वो पैसे हमने सबके वापस कर दिए,
नहीं हो पाया था तो उसको वापस कर दिए, पैसे आपके अकाउंट में चले गए होंगे। अगर आप चाहते हो तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। वो सिस्टम थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है और बाकी लोग भी IRCTC के सिस्टम को फिर से ट्राई करके देख सकते हैं। होपफुली अब वो मुश्किल नहीं होगी, और अगर मुश्किल होती है तो हरीश की टीम उसको प्रायोरिटी पे देखती है। ये तो कुछ ट्रांजेक्शन की बात हुई। बाकी ओवरऑल जो बैक में आता हूं आज के सिस्टम पे, जिसका था CSC, आप जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, हम सब एक उस परिवार के पार्ट हैं जिसका एक उद्देश्य है। ये प्योर बिजनेस नहीं है जिसको हम सिर्फ अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि हम पैसे तो जरूर कमाते हैं, लेते हैं पैसे अपनी सर्विस के, बट वो वाजिब पैसा है और सही तरीके से पैसा।